नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कंगना रनौत को कांग्रेस के नेता ने धमकी दी है और कहा है कि जो कुछ भी आपने किसानों को लेकर कहा है माफी मांगिए, नहीं तो मध्य प्रदेश में आपकी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग हम नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है, कंगना को ये धमकी मिलनी थी तो मैडम का रिएक्शन तो आना ही था। ट्वीट करके कंगना ने इस बात की जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा ये मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मुझे नेतागिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर लगता है कांग्रेस मुझे नेता बनाकर ही छोड़ेगी। इस तरह से तंज कसा है कंगना रनौत ने कांग्रेस के नेता पर। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कांग्रेस नेता है जिन्होंने धमकी दी है कि अगर कंगना ने किसानों के लिए जो लफ्जों का इस्तेमाल किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, आतंकवादी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन सारे स्टेटमेंट्स को वो वापस ले, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो फिर मध्य प्रदेश में उनकी फिल्म की जो शूटिंग होनी है उसको नहीं होने दिया जाएगा। तो इसी पर पलटवार करते हुए कंगना ने भी जवाब दिया और कहा कि भाई मैं राजनीति करना नहीं चाहती, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन ये कांग्रेस वाले मुझे राजनीति में उतार कर ही मानेंगे। आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से इशारा भी दिया है कंगना ने कि आने वाले वक्त में अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई क्या, सबको पता है कि उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है, तो आने वाले वक्त में अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि गाहे बगाहे वो हिंट देती रहती हैं और एक बार फिर से उन्होंने हिंट दिया है। वैसे आपको बता दें, जैसे ही कांग्रेस के नेता द्वारा उनको ये धमकी मिली कि धाकड़ की शूटिंग उनको नहीं करने देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो गृह राज्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें शूटिंग में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दो फाड़ आप देख सकते हैं, कांग्रेस एक तरीके से निशाना साध रही है कंगना पर, तो बीजेपी और बीजेपी के नेता आगे आ रही हैं और कंगना को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी इसका आश्वासन दे रही हैं। पहले तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कंगना ने जो किसानों के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था वो जायज है? आपको ये भी बता दें कि कंगना ने रिहाना के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा था कि इन लोगों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। और इस पर आपकी क्या राय है ये तो कमेंट करके बताइए ही। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने तो उनको आश्वासन दे दिया है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता ने जिस तरीके से उनको धमकी दी है और कहा है कि माफी मांगिए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।